डॉक्टर नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस में जिस प्रकार विभिन्न नारी पात्रों का चित्रण किया है उसमें सबसे प्रमुख नायिका सुंदरी से संबंधित कथा के बारे में आज मैं थोड़ा इस वक्तव्य के द्वारा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। लहरों के राजहंस मोहन राकेश के द्वारा रचित द्वितीय नाटक है। यह बहुत सफलतम खासकर रंगमंच के ऊपर सफलतापूर्वक मंचन किया गया यह बहुत उत्कृष्टतम नाटकों में एक नाटक माना जाता है। आज हम लहरों के राजहंस से जिस प्रकार सुंदरी का चित्रण किया है और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कपिल वस्तु के राजकुमार नंद की पत्नी सुंदरी मोहन राकेश का दूसरा नाटक लहरों के राजहंस की नायिका है। इस नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक है। नाटककार मोहन राकेश द्वारा नंद को नाटक का केंद्रीय पात्र बनाना चाहने पर भी सुंदरी का चित्रण अत्यंत सफलता के साथ संपन्न हुआ है। सुंदरी आलोच्य नाटक का केंद्रीय चरित्र है जिसके चारों ओर अन्य सभी पात्र ही नहीं नंद भी घूमता रहता है। सुंदरी सौंदर्य गर्विता प्रेम गर्विता नारी है। वह अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व करती है। सुंदरी अपने पति नंद को अपने रूप पाश में बांधना चाहती है। सुंदरी अपने प्रसादन में नंद को भी नियुक्त करती है। सुंदरी अपने हाव भाव मुद्राओं एवं स्निग्ध दृष्टि से नंद को बांध रखती है। सुंदरी का विश्वास है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। सुंदरी का अभिजात वर्ग का सर्वांगीण सौंदर्य ही उसके व्यक्तित्व का प्रमुख आकर्षण है। वह शारीरिक एवं व्यावहारिक सौंदर्य की स्वामिनी है। सुंदरी का जीवन दृष्टिकोण स्पष्टतः उपयोगिता एवं उपभोगितावादी है। सुंदरी के अनुसार जीवन की सार्थकता उपभोग ही है। रूप गर्विता सुंदरी अहम पीड़िता भी है। चार्वाक दर्शन के काओ पीवो और मौज करो वाले प्रवृत्ति मार्गों जीवन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए सुंदरी को भोगने में विश्वास रखती है। इस चरित्र के माध्यम से नाटककार ने जीवन के उपभोग व उसकी महत्ता से संबद्ध एक व्यापक दर्शन को प्रतिपादित किया है। स्वाभिमानिनी सुंदरी में नारीयोचित ईर्ष्या और शंका भी है, इसलिए वह यशोधरा को असंपूर्ण पत्नी मानती है। स्वाभिमानिनी सुंदरी बाहरी लोगों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं समझती। कामोत्सव में अतिथियों की अनुपस्थिति से सुंदरी में निराशा छा जाती है। फिर भी स्वाभिमानिनी सुंदरी इसे स्वीकार नहीं करती, लेकिन स्वाभिमानिनी सुंदरी का हृदय इस विषय से घायल होता है। आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आए हैं क्यों? आपका स्वयं लोगों के यहाँ जाना विशेष रूप से यह कहने के लिए यह क्या अपमान का विषय नहीं है? नंद अतिथियों को आमंत्रित करने उनके घर जाते हैं। स्वाभिमानिनी सुंदरी को नंद के वहाँ जाना सह्य नहीं है। नंद अतिथियों को बुलाने के लिए घर जाने पर भी लोग यहाँ नहीं आए तो स्वाभिमानिनी सुंदरी सोचती है कि लोगों को उनका आभार मानना चाहिए और स्वतः ही आ जाना चाहिए। कामोत्सव के आयोजन में अतिथियों की अनुपस्थिति से सुंदरी का स्वाभिमान चूर्ण चूर्ण हो जाता है। उसने उस विपरीत स्थिति की कल्पना तक नहीं की। सुंदरी शंकालु नारी है। अपने विलासमय जीवन का प्रदर्शन करने वो कामोत्सव का आयोजन करती हैं, इसीलिए कामोत्सव में अतिथियों की अनुपस्थिति में किसी के हाथ के होने की शंका करती है। वह अपनी इस शंका को नंद के सामने व्यक्त करती है। क्यों, आज तक कभी हुआ है कि कपिलवस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ ना समझा हो? कोई व्यक्ति कभी समय पर आने से रहा हो?
अतिथियों की अनुपस्थिति की सूचना को पाकर सुंदरी का मन व्यथित होता है और उसके अहम को चोट लगता है। वह उद्विग्न काम आकर उन लोगों की निंदा करती है जिन्होंने बुद्ध के आगमन की प्रतीक्षा में व्यस्त होने की वजह से सुंदरी द्वारा आयोजित कामोत्सव की उपेक्षा की है। भोग विलासों में ललक होने वाली सुंदरी में सहानुभूति की भावना भी है। सुंदरी एक संपूर्ण नारी है। सुंदरी केवल देह के स्तर पर जीने वाली भोगाश्रित नारी है। उसकी वैचारिक चेतना पुष्ट नहीं होने के कारण उसकी चेतना में विकृत मानसिक प्रतिक्रियाएं पूर्वाग्रह जुड़े हुए हैं। सुंदरी स्वकेंद्रित व्यक्तित्व वाली नारी है। उसका अस्तित्व भौतिक जगत से संबद्ध है। वह ज्ञान के स्तर के अलावा द्वेष के स्तर पर अपना जीवन बिताती है। सुंदरी में अहम की प्रबलता होने के कारण किसी से भी बुद्ध, यशोदरा या प्रजाजनों से नहीं जुड़ती है। अप्रामाणिक आस्था से प्रेरित होने के कारण वह अपने पति नंद को व्यक्ति नहीं वस्तु समझती है। सुंदरी सबको अपनी कामना के अस्त्र समझती हैं। अपने लक्ष्य साधन में असफल होने से टूट जाने पर भी बाहर से ठोस बनी रहती है। उसकी संवेदना का मूल कारण तो उसकी अहम चेतना और परिस्थिति प्रतिकूलता है। जब उसके अहम पर आघात हो जाता है तो वो टूट जाती है। जो सुंदरी गौतम बुद्ध की साधना को यशोदरा के नारित्व का आकर्षण शक्ति की विफलता मानती है, वही अपने पति नंद का मुंडित मस्तक को देखती है तो उसके नारित्व और स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचती है। इस प्रकार रूप गर्विता सुंदरी के अहम को नाटक के अंत में नाटककार मोहन राकेश ने एक ऊंची छोटी से गहरी खाई में ढकेल दिया है। अपने सौंदर्य पर अधिक विश्वास रखने वाली रूप गर्विता नारी के मन में रूप गर्व की विफलता से उत्पन्न वेदना से ही मोहन राकेश के नाटक को सार्थक बना लिया। सुंदरी के व्यक्तित्व में पहले ही वैराग्य के प्रति बुद्ध दर्शन के प्रति विद्रोह की भावना है। वह अलका से गौतम बुद्ध के बारे में कहती हैं, लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने बोध प्राप्त किया है और कामनाओं को जीता है, पर मैं कहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए यह भी क्या मन की ये कामना नहीं है? और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जागती है? सुंदरी का विचार है कि कोई भी व्यक्ति कामनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध विजयी नहीं बन सकता है क्योंकि इस प्रकार कामनाओं पर जीत पाना भी एक कामना है। जो लोग गौतम बुद्ध के दर्शन करने नदी तट पर जाते हैं उनके बारे में सुंदरी का अभिप्राय यह है कि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं, तब जहाँ कुछ भी नवीनता दिखाई दे वे उसी ओर उमड़ पड़ते हैं। यह उत्साह दूध फेन का उबाल है, चार दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। इससे पता चलता है कि वैराग्यवाद दर्शन में सुंदरी को रुचि नहीं है। सुंदरी की अपनी जीवन दृष्टि है। सुंदरी में बुद्ध निवृत्तवादी प्रवृत्ति पर उपहास की भावना है। सुंदरी का विश्वास है कि आकर्षित करने वाले में क्षमता होती है तो कोई भी आकर्षित हो सकता है। कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास आकर इनसे भी निर्वाण और अमरत्व की बात कहें। सुंदरी के व्यक्तित्व में भी खंडित होने वाले तत्व है। सुंदरी के व्यक्तित्व में आधुनिक नारी जीवन के तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। ऐतिहासिक एवं सामयिक परिवेश से मालूम होता है कि सुंदरी के व्यक्तित्व का खंडित भाव वास्तव में सार्थक है। लहरों के राजहंस नाटक में प्रवृत्ति मार्गों और चार्वाक दर्शन के काओ पीवो और मौज करो सिद्धांत का अनुसरण करने वाली सुंदरी जीवन को परिपूर्ण रूप से भोगने में विश्वास रखती है। जीवन के प्रिय पक्ष का व पार्थिव मूल्यों का समर्थन करने वाली सुंदरी को जीवन के भोगवादी दृष्टिकोण व विलासिता का प्रतीक मानने के कारण उसके चरित्र में
कई असंगतियां दृष्टिगोचर होती है। इसी कारण से सुंदरी आलोच्य नाटक में सौंदर्य गर्विता, प्रेम गर्विता, शंकालु विलासोन्मुखी एवं आत्मरति से पूर्ण नारी के रूप में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार लहरों के राजहंस नाटक में सुंदरी के चरित्र में नारी सुलभ कोमलता, त्याग, निष्ठा एवं बलिदान जैसे महान एवं उदात्त गुणों की अपेक्षा ना करके नाटकीय संवेदना व उसके दार्शनिक पक्ष को व्यंजित बनाने में सहायक पात्र के रूप में उसे स्वीकार करना ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। देहेच्छा में परिचालित भोगाश्रित नारी के रूप में सुंदरी के चरित्र के माध्यम से एक विशिष्ट जीवन दर्शन को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया है। ये है मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस में सुंदरी का चरित्रण इस प्रकार किया है। इससे आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि इससे संबंधित इसको सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।